तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड यार, मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड मैं हो चुका हूँ, इसलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था। बट अब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आप लोगों के मोटिवेशन की मेरे को जरूरत है। तो यार, वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है हाइड्रा को लेकर। तो फाइनली उन्होंने अपना लाइन अपना अनाउंस कर दिया। जैसा मैंने आप लोगों को लीक दी थी वही लाइनअप हमें देखने को मिला। एंड इसके बाद जो मॉडल है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनकी 67 रैंक हो गई है इंडिया में कॉन्करर लॉबी में। वो आप लोग स्क्रीन पर देख लो, तो इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने लिखा था, लॉट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट आउट देयर एंड ब्लेस्ड टू शेयर द स्टेज विद द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी लोग जो स्काउट है उनको हेट वगैरह दे रहे थे गोल्डी भाई की चैट में, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल एमवीपी ने हक दिया, कोई बात नहीं यार, बहुत बहुत किया है, पूरी लाइफ बैठ के खा लेगा जितना साफ किया है। कभी कभी हक भी देना चाहिए, बहुत खाया है, पूरा लाइफ बैठ के खा सकता है, टेंशन नहीं है उसको। बोले जैमर्स लगे हुए, नेक्स्ट वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा, नेट इशू आ रहा है। एटलीस्ट तूने माना तो सही, वो इंटरनेशनल एमवीपी है, चाहे ट्रोल करने के लिए बोला हो, टाइटल तो दिया तूने। के बाद जो GDR है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो जो डेस्ट्रो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने लेसन सीखा है इस टूर्नामेंट से, साथ में उन्होंने लिखा था कि काफ़ी लाइटली उन्होंने टूर्नामेंट को ले लिया था इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड काफ़ी लोगों को उन्होंने डिसअपॉइंट किया था तो उनको उन्होंने सॉरी बोला है। उनकी स्टोरी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो करण पाठक हैं जो कि क्राफ्टन इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक स्टोरी डाली जहाँ पे उन्होंने लिखा था मुंबई दिल्ली नेक्स्ट, एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड बेसिकली ये क्लियर हिंट है नेक्स्ट लैन का। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मुंबई या दिल्ली, कहाँ पे हमारे को नेक्स्ट लैन देखने को मिले। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई को लेके। तो उनकी लाइफ पे काफी लोग बोल रहे थे कि जो टीम सोल है उनको मोटिवेट करो। तो जो गोल्डी भाई उन्होंने बताया था कि हमारे को फेयरवेल देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा होता है तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। गेमिंग को अचानक भयानक गेमिंग आ रहा है, फुल सपोर्ट है भाई, अपने दोस्त है वो यार पुराने। सोल को थोड़ा मोटिवेशन दो, हम मोटिवेशन नहीं देते, हम सीधा थैंक यू फॉर योर सर्विसेज देंगे, परफॉर्मेंस नहीं आया तो। हमारे यहाँ वो धंधा नहीं चलता मोटिवेशन का, बहुत दे लिया मोटिवेशन, अब बाय बाय होगा सीधा। पहले ये चीज बोली थी कि अगर हमारे को स्काई में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी तो हमारे को लाइनअप में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर जो ओमेगा है उन्होंने भी रिएक्ट करा, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। सेट ने बोला अगर स्काई में परफॉर्मेंस नहीं आया तो टीम में चेंज होगा। हाँ भाई सही बात है, सेट भाई ने कह दिया है, तुम्हें माननी तो पड़ेगी, बताओ कैसे। बात तो सही है, बात तो सही, छोड़ यार, मैं कुछ बढ़िया स्टेटमेंट देने का मन था बट मैं चिल टाइम, इट्स वेरी चिल टाइम, एक बार स्काई हो जाऊंगा फिर देख। ओमेगा आज अमित भाई को लाइफ से भगाई जाए। एंड इसके बाद तो जल्दी जल्दी उनसे काफ़ी लोग ये चीज़ पूछ रहे थे कि वो कौन सी टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पे उन्होंने रिवील कर दी थी अपनी टीम के बारे में। तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। टीम अपडेट, टीम अपडेट अपडेट कर दो यार। टीम अपडेट, अभी तो स्लेयर के साथ खेल रहा हूँ यार, टीम पता नहीं कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही खेल रहा हूँ। अपडेट कर दूंगा जब कुछ होगा, अभी कुछ भी नहीं है, बट अभी टीम स्नैक्स से खेल रहा हूँ। इस टीम का नाम है टीम स्नैक्स, तो टीम स्नैक्स से खेल रहा हूँ। इसके बाद काफी लोग जो मेरे उनसे पूछ रहे थे हमारे को ड्रॉप चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं टीम सोल के, तो इसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्ट करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ड्रॉप लोकेशन चेंज करने का सोचा कुछ? हाँ, ड्रॉप लोकेशन चेंज करने का उन्होंने सोचा है। हम सोच रहे रैंक में जार की कमेश की कुछ ऐसा ले ले, कैरेकिन में एज, कैरेकिन में रूइंस ले। हां कैरेकिन में रूइंस ले, मेरा मार में भी हम रूइंस लेने का सोच रहे हैं, वो एज वाला पार्ट। इसके बाद जो दलजीत है उन्होंने बात करी थी इंडियन एंड कोरियन टीम्स के बारे में, बात करी थी कहाँ पे जो इंडियन टीम्स है वो लैग कर रही थी, इस पर उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कोरियन इंडिया इंडिया के पेट रहे हैं ब्रो, यार इंडियन टीम से भी अच्छा खेली, क्या करें यार, कोरियन प्लेयर एक दो साल आ गए हैं हमसे, कुछ भी कह लो। हु इज बेटर इंडियन और कोरियन टीम्स? भाई इंडियन टीम्स लैक एक्सपीरियंस, बात तो सही कहा आपने, लेकिन गॉड्स वाली भी एक सच्ची है, खेलता नहीं अच्छा, किसी एकदम भी अच्छा 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 कमबैक किया गॉड्स ने, टर्बो नहीं मारता बस अच्छा खेले। तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।